हम देख रहे हैं कि किस तरह से पूरी विश्व में, पूरी दुनिया में प्रकृति का प्रकोप इस टाइम चल रहा है। पूरी दुनिया के अंदर कोरोना की वजह से लोग दुखी हैं। प्रकृति के सामने सब लोग बेबस हो जाते हैं। कितने शक्तिशाली देश, अमेरिका, स्पेन, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, आज से 3-4 महीने पहले आप सोच सकते थे कि एक ऐसा टाइम आएगा जब इतने शक्तिशाली देशों के अंदर इस तरह की महामारी फैलेगी, पूरे विश्व के अंदर इस तरह की महामारी फैलेगी कि लोग इतने बेबस हो जाएंगे प्रकृति के सामने? हम सोच भी नहीं सकते थे। हम इसे प्रकृति बोल लें, हम इसे अल्लाह बोल लें, हम इसे ईश्वर बोल लें, हम जो मर्जी बोल लें, लेकिन प्रकृति बहुत शक्तिशाली है और इंसान उसके सामने बेबस हो जाता है। और इतिहास में हमने देखा है कि जब जब इंसान ने प्रकृति के नियमों को नहीं माना, तब तब प्रकृति ने अपना प्रकोप दिखाया है। गीता में भी लिखा है ना कि हमें मानव जीवन मिला है दूसरों की सेवा करने के लिए, कि हम अपनी जिंदगी का एक एक पल दूसरों की सेवा में बिताएं। और अगर कोई हिंसा फैलाता है, नफरत फैलाता है, तो वो प्रकृति के खिलाफ काम करता है, वो ईश्वर के खिलाफ काम करता है, वो अल्लाह के खिलाफ काम करता है। मुझे बहुत दुख होता है कई बार कि आज इतनी कठिन परिस्थिति के अंदर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो हिंदू और मुसलमान के बीच में नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे मैं देखता हूँ कि इतने नाजुक दौर से जब पूरी दुनिया गुजर रही है, इतने नाजुक दौर से जब अपना देश गुजर रहा है, तब भी कुछ लोग हिंदू और मुसलमान भाइयों के बीच में नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उस किस्म के वीडियो डालते हैं, उस किस्म का सब कुछ चीज़ें डालते हैं सोशल मीडिया के अंदर, लोगों में नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं। ये प्रकृति के खिलाफ है। प्रकृति ऐसे लोगों को कभी माफ़ नहीं करेगी। हमारा देश आगे बढ़ेगा जब ये पांचों उंगलियां एक मुट्ठी की तरह एक साथ काम करेंगी। जो लोग हिंदू और मुसलमान के बीच में नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं, वो केवल प्रकृति के खिलाफ काम नहीं कर रहे, वो भारत के साथ भी गद्दारी कर रहे हैं, देश के साथ भी गद्दारी कर रहे हैं। सभी धर्म और सभी जातियों के लोग जब मिलके एक साथ एक मुट्ठी की तरह काम करेंगे, तभी देश आगे बढ़ेगा, तभी इंसानियत आगे बढ़ेगी, तभी मुल्क आगे बढ़ेगा और तभी हम कोरोना से लड़ पाएंगे।